नमस्कार, जय राम जी की। हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड ट्रिपल। ये वक्त है हमारे बीच में, जैसे कि हमने पहले भी बताओ तो कि बुंदेलखंड ट्रिपल चुनावी यात्रा लेके निकल चुके हैं और जब हम पहुंचे महाराजपुर विधानसभा की तरफ, तो महाराजपुर विधानसभा में चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, तमाम नेता, तमाम लोग अपनी बात रकबे के लाने तैयार हैं और दावा कर रहे हैं कि अगर हम आए तो विकास की गंगा बहा दें। ऐसे हमारे बीच में है हरगोविंद गुप्ता जी, जो कि एक व्यापारी हैं और व्यापारी होबे के नाते और व्यापारी होबे के संगे संगे उनने सोची है कि कहीं ना अब राजनीति में भी कदम बढ़ाओ जाए। तो कैसे इनने राजनीति के लाने सोची है, का विधानसभा चुनाव के लाने सोची है, का अपने व्यापार के संगे संगे जनता के लाने सोची है, तमाम बातचीत है। तो बिना समय गवाए सीधे उन्हीं से बातचीत कर लें और उन्हीं से जाने। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बुंदेलखंड चुपल पे। हमारा प्रश्न आपसे जो है, चूंकि आप महाराजपुर विधानसभा से और भारतीय जनता पार्टी से टिकट को दावा निश्चित रूप से कर रहे हैं, का उद्देश्य है, चूंकि आप एक व्यापारी हैं और आपको बैकग्राउंड भी जहां तक हमें जानकारी है व्यापारी वर्ग को रहो है, अभी तक आपको राजनीति में ऐसा कछु नहीं रहो, तो का सोच के आप राजनीति में आ गए? सबसे पहले बुंदेलखंड ट्रिपल को मैं नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो हमारे यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रहा पॉलिटिक्स की बात, तो निश्चित तौर पे हम व्यापारी क्षेत्र से हैं, व्यापार करते रहे हैं और अपने कंस्ट्रक्शन की लाइन से बहुत लोगों का जन सहयोग मिलता रहा है क्षेत्र का, और वो जन सहयोग जो हमें आज तक मिलो उखा हम कछु न कछु बदले में सेवा कर पहुँचाते हैं। इसकी वजह से लोगन की सलाह, क्षेत्र के लोगन की चर्चा, इन सब के मन से हम निश्चित तौर पे आगे आए। आपने बात करी कि आप जन सहयोग करवे के लाने आए, क्योंकि आपके कंस्ट्रक्शन के माध्यम से आपका लोगों की जनता ने आपसे आपका सहयोग दो तो आप भी उन्हें सहयोग कर पहुँचा। एक शब्द है कि नेता ना हो के, राजनेता ना हो के, समाज सेवा के रूप में भी जनता को सहयोग करो जा सके, लेकिन राजनीति में आके सहयोग करने को का उद्देश्य? हमारी बिल्कुल मंशा नहीं है कि हम राजनीति करें और राजनीति कर वो हमें आउट भी नहीं है। हम निश्चित तौर पे अभी तक जनसेवा करते आए, जनसेवा करते हैं और जनसेवा ही करते रहेंगे, माध्यम कुछ भी बना रहे। अभी तक आपका का लगो कि आपकी महाराजपुर विधानसभा, चूंकि आप नौगांव में निवासरत हैं और महाराजपुर विधानसभा में ऐसी कोनो कमी आपका, आपके व्यापारी होबे के नाते भी और आपके एक जनता होबे के नाते भी, क्योंकि आप भी कहूँ ना कहूँ जनता हो और आपके जो अबे की सेटल विधायक है वे कांग्रेस के हैं, तो ऐसी का कमी लगी आपका महाराजपुर विधानसभा में जो अबे तक आपका लग रहा हो कि वह पूरी नहीं हो पाई? एक्चुअली हमारी जनता, भारतीय जनता पार्टी विकास की गंगा बहावत आई, काम करत आई और आज जो भी विकास हो रहा हो वो भारतीय जनता पार्टी की ही वजह से हो रहा हो और वो आगे चलो जय है। रही बात विधायक जी की, विधायक को चुना पब्लिक ने और निश्चित तौर पे 5 साल से काम कर रहे, लेकिन जिस पार्टी का शासन हो उसी पार्टी का यदि विधायक हो तो आपस की कनेक्टिविटी अच्छी रहा और हमारे देखी जो चीज़ें नहीं हो पाती वह खबर पहुँच जात और क्षेत्र को सहयोग मिल जात। विपक्ष का विधायक हो और दूसरी पार्टी का शासन हो तो निश्चित तौर पे कनेक्टिविटी नहीं हो पाती और कनेक्टिविटी की वजह से कई छोटी छोटी कमियां रह जाती हैं, वो कमियां दूर की जा सकती है। ऐसी क्या कमी लगी अभी तक आपका जो महाराजपुर में है और वह पूरी नहीं हो पाई? महाराजपुर में और हमारे नौगांव क्षेत्र में सारे में युवा पीढ़ी अच्छी मात्रा में है, पढ़ी लिखी है, लेकिन रोजगार की जितनी साधन की आवश्यकता है वह उपलब्ध नहीं है। उके लाने युवा शक्ति का, युवा लोगों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, गाइडेंस देने की जरूरत है, उन्हें स्थापित करावे की जरूरत है। यही हमारी मंशा है कि हम जो हम भी नौगांव में पॉलिटेक्निक किया, फिर ट्यूशन पढ़ाया, 15-15 घंटे पढ़ाया और लोगों को, बच्चों को गाइड किया और वो बच्चे आज अच्छे पदों पे हैं, अच्छे व्यापार में हैं। तो जो हमने उस समय ट्यूशन में गाइडेंस बच्चन का दो, अब हम चाहूँ कि समाज में आके युवा पीढ़ी को गाइड करें, उनके उनके इंटरेस्ट देखें, वो इंटरेस्ट के अनुसार उनको उस तरफ प्रोत्साहित करें जिसे भी अपनों घर चला सकें, अपनों परिवार चला सकें और उनमें आर्थिक स्थिति से मजबूत हो सकें। ये हमारा मेन उद्देश्य है। अभी तक के आप जनता के बीच में आप गए हुई हो और आपने देखो हुई है कि जनता का काफ़ी समस्याएं रही निश्चित रूप से और जनता का समस्याएं होती हैं,
और जब आप सर्वेक्षण करने के दौरान गए या जनता के बीच में अपनी बात रखने के दौरान गए तो आपका का लगो, जनता से का सुनवे का मिलो, विधायक जी की बात कर लें या फिर और भी ऐसी शिकायतें आपका मिली हो जो जनता का लगो हो कि नहीं दिया, अब जो 5 साल निकल गई या 4.5 साल निकल गई में नहीं हो पाई। जनता से ऐसी कोई समस्या नहीं सुनी, माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना योजना कहाँ लागू करो, छोटे छोटे कमी घरों में नजर आती थी वो 1,000 रुपया से उनके घर पे काफ़ी सहयोग पैदा होने लगा, छोटी छोटी समस्याएं कई हैं जो रोज की रोज नई पैदा होती और वो उन्हें क्या खुद मजबूत होने उनके संगे हमें रहने के भी समस्याएं हल हो जाए, बाकी रही विकास की तो शिक्षा और मजबूत हो जाए जो है, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, सारे नौगांव में ट्रेनिंग सेंटर है तो विकास हमारे यहाँ होता आया है। अभी शोभे डेट का हॉस्पिटल मुख्यमंत्री जी कल ही परसों ही बोल के गए हैं, ऊखा बनाओ जाने, बस स्टैंड बनाया जाना, इंजीनियरिंग कॉलेज को अपडेट किया जाना है, तो विकास आगे बराबर जारी रहेगा और उसके लाने जो हमसे बन सकर जनसेवा के रूप में वो हम करते रहेंगे। आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी से आपको दावा है कि भारतीय जनता पार्टी और आपको जो बतावो भी है कि सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की है तो विधायक भी भारतीय जनता पार्टी को ही है तो विकास दोगुना हो जाए, निश्चित रूप से आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं, आपको ऐसा का लग रहा हो अपने अंदर कि आप जो और लोग नहीं कर सकते वो आप कर सकते? हमने अभी बताओ कि हम युवा पीढ़ी के साथ हमेशा हिल मिल के रहते हैं, हमने पॉलिटेक्निक किया, इंजीनियरिंग किया, शिक्षक रहे और 30 साल से निर्माण क्षेत्र में जगह जगह हर प्रकार के कार्य किए, तो कोशिश करी जात कि युवा पीढ़ी का गाइडेंस मिले, उनको ट्रेनिंग सेंटर पे भेजा जाए, उन्हें व्यवस्थाओं उद्योगों में बनाई जाए, उद्योगों से अनुभव है, पढ़ाई लिखाई का अनुभव है और एजुकेशन का सभी चीज़ों का वो सरलता से हम नौगांव में उपलब्ध रहा, तो हमसे जो भलाई हुई है कोशिश करें कि हमें दूसरे नेताओं से कंपैरिजन की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपनी शक्ति के अनुसार क्षेत्र के लाने करने को प्रयास करें। तो निश्चित रूप से आपको प्रथम उद्देश्य जो है वो युवाओं का रोजगार की ओर बढ़ावा देना, उद्योगों को बढ़ावा देना, व्यापारी जो हमारे हैं उनके कई बार जो चीज़ों की आवश्यकता है वो प्राप्त नहीं हो पाती, कई बार टैक्सेशन की समस्या है, कई बार व्यवस्थाओं की कमी है, नए उद्योग कभी यहाँ डेवलप ही नहीं हो पा रहे हैं, तो कोशिश करीजिए कि हमारे क्षेत्र में कौन सा रॉ मटेरियल उपलब्ध है, कौन से उद्योग पैदा करे जाएं, उस उद्योगों को स्थापित किया जाए और युवा पीढ़ी को रोजगार भी यहीं पैदा किए जाएं, इसकी ओर हमारा कोशिश भर हर प्रकार का प्रयास रहेगा ताकि लोग पलायन के लिए ना भागे ना और बाहर ना जाए, ये आपका मुख्य उद्देश्य है। चूंकि आप नौगांव में निवासरत हैं और आगे आप विधानसभा के चुनाव लड़ने के लाने आप दावेदारी कर रहे हो, आप बिल्कुल निश्चित रूप से तैयार है हर तरीका से, हमारे एक आपसे आप आखिरी प्रश्न जो रहे, चूंकि बुंदेलखंड क्षेत्र जैसे कि आपने पहले ही बता दो कि युवाओं के लाने तो रोजगार है ही देखिए प्रमुख समस्या है, लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत पिछड़ो क्षेत्र मानो जा रहा हो हर तरीका से, आपका क्या लग रहा है, लोगों की मांग है कि बुंदेलखंड पृथक राज्य बनो चाहिए, आपको इसमें क्या सुझाव है, एक व्यापारी होने के नाते एक आम जनता होने के नाते? माननीय मोदी जी के प्रयास से कैन बेतवा नदी का जुड़ो जा रहा हो, जैसे ही जा कैन बेतवा नदी जुड़ जाए तो हमारे खेती से फसल का उत्पादन कई गुना बढ़ जाएगा, तो किसानों को भी लाभ होगा, युवाओं को भी रोजगार मिलेगा, उस जैसे ही हमारी फसल की मात्रा बढ़े तो उसे भी कई प्रकार के उद्योग यहाँ पैदा होंगे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और निश्चित तौर पे आगे जाएगा और विकास बराबर चलेगा कैन बेतवारी नदी जुड़ने से और रोजगार स्थापित हो भी। निश्चित रूप से विकास होबे की तैयारी चल रही है और प्रोसेस में काम चल रहा है, हमारा प्रश्न जो है कि बुंदेलखंड पृथक राज्य बनो चाहिए या नहीं, अगर बनो चाहिए तो कहे और ना बनो चाहिए तो कहे? हमारा तो यही सबसे पहले कहना है कि बुंदेलखंड राज्य की जो संपदा है जब तक उसके पूरे आकलन ना हो जाए कि हमारा पर्सनल बुंदेलखंड राज्य का आधार पे चले है, लोग इसके लिए रिसर्च करें देखें इसके बाद बुंदेलखंड राज्य को स्थापना की सोचें तो ज़्यादा अच्छा है, यदि बिना संसाधन के सोचें तो हम जहाँ से चल रहे वैसे बढ़िया चल रहे और उसी में अच्छा ही है। तो हमारे बीच में रहते महाराजपुर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हरगोविंद गुप्ता जी, तो ऐसे बहुत सारे लोग आपके बीच में लेके आओ, उतरे भी बस बने रहो सिर्फ बुंदेलखंड पर। शिवांगी तिवारी के साथ जयराम जी की जय बुंदेलखंड।